नमस्कार दोस्तों, आईपीएल की सुगबुगाहट बड़ी तेज है क्योंकि 18 तारीख को ऑक्शन होना है और ऑक्शन से पहले कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस गुणागणित पे लगे हैं कि कौन सा खिलाड़ी ज्यादा में बिकेगा, कौन सा खिलाड़ी कम में बिकेगा और कौन सा खिलाड़ी अनसोल्ड रह जाएगा, बिना बिका हुआ रह जाएगा। इसमें कई सारे बड़े दिग्गजों का भी नाम आ रहा है जो हो सकता है कि इस आईपीएल में नीलामी में ना खरीदे जाएं। तो कौन कौन से ऐसे वो खिलाड़ी हैं, मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे ऊपर नाम आ रहा है डेल स्टेन का। जी हां, दक्षिण अफ्रीका के इस दिग्गज खिलाड़ी ने व्यक्तिगत कारणों से आईपीएल 2021 में खेलने से मना कर दिया है, लेकिन उसके बाद जब वो 2022 के अगर आईपीएल में भी नीलामी के लिए आते हैं तो इसके आसार बड़े कम हैं कि उनको खरीदा जाए, क्योंकि फिर वो एक साल उम्र का और पड़ा वो पार कर चुके होंगे और ऐसे में फिर मुझे मुश्किल लग रहा है कि उनको जो है वापस से आईपीएल में लिया जाए। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्योंकि पिछले साल भी वो खेले थे आरसीबी में, बहुत ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस कुछ मैचेस में किया था, लग रहा था कि हाँ फिट हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके साथ इशू है। खेल सकते हैं, आने वाले समय में खेल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा बुढ़े हो गए हैं जो ना खेल पाएं, लेकिन हाँ क्योंकि आईपीएल 2021 से नाम वापस ले लिया है, इसलिए अब आईपीएल से पूरी तरीके से बाहर जाने के आसार बहुत ज़्यादा प्रबल हो गए हैं। दूसरे नंबर पर है पार्थिव पटेल। पार्थिव पटेल ने हाल ही में सभी क्रिकेट के फॉर्मेट से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है और पिछले आईपीएल में पार्थिव पटेल को आरसीबी से एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था और संन्यास के तुरंत बाद पार्थिव पटेल को मुंबई इंडियंस ने टैलेंट स्काउट में काम करने का ऑफर भी दिया, जिससे उन्होंने स्वीकार कर लिया है और पटेल अब मुंबई इंडियंस टीम मैनेजमेंट के साथ दिखाई देंगे, जिसका मतलब है कि आईपीएल की कोई भी फ्रेंचाइजी उन्हें नहीं खरीद पाएगी क्योंकि वो अपना नाम ही जो है वो नहीं देंगे। तो ये खिलाड़ी भी इस आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आएगा, ये भी तय है। तीसरा खिलाड़ी कौन है? तीसरा खिलाड़ी है शेन वॉटसन। शेन वॉटसन जिन्होंने अभी इस आईपीएल के बाद सभी क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है और ये भी कह दिया है कि मैं आईपीएल भी अब नहीं खेलूंगा और चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत सारे चैंपियनशिप जिताने में बड़ा अहम रोल रहा है शेन वॉटसन का। आपको वो याद होगा जब उन्होंने एक तरीके से चोटिल घुटने के साथ खून से लथपथ होने के बावजूद कोशिश की थी टीम चेन्नई को जिताने की और बहुत उनकी तारीफ हुई थी, उससे पहला वाला सीजन उन्होंने जिता भी दिया था और ऐसा शेन वॉटसन मतलब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो वो बहुत ही अहम एसेट थे, लेकिन इस आईपीएल में वो भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने खुद अपना नाम वापस लिया। तो ये वो तीन दिग्गज थे जो इस आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, जिनको लोग मिस भी करेंगे। आप बताइए आप कितना मिस करेंगे और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।